न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचकों को डराने, धमकी देने, मतदाताओं को प्रभावित करने, रिश्वत देने, प्रलोभन, नकदी उपहार, वस्तुएं, निःशुल्क भोजन वितरित करने, शराब बंटवाने, धमकी देने, डराने धमकाने तथा धन शक्ति एवं बाहुबल के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए समस्त नगरीय निकायों में उड़न दस्ता दल गठित किया है। कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिक निगम रीवा के लिए नायब तहसीलदार ममता पटेल, नगर परिषद बैकुंठपुर के लिए नायब तहसीलदार रत्न राशि पांडे, सिमरिया के लिए नायब तहसीलदार अनुराग पांडे, सिरमौर के लिए नायब तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी, डभौरा के लिए तहसीलदार उमेश तिवारी, मनगवा के लिए नायब तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी, नई गढ़ी के लिए नायब तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा, मऊगंज के लिए नायब तहसीलदार दीपिका पाव, हनुमना के लिए नायब तहसीलदार अजय मिश्रा, त्योथर के लिए ASLR रवि श्रीवास्तव, चाकघाट के लिए नायब तहसीलदार दिलीप शर्मा, गुढ़ के लिए नायब तहसीलदार सौरभ द्विवेदी एवं नगर परिषद गोविंदगढ़ के लिए नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी को उड़न दस्ता दल में शामिल किया गया है।